शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। दोस्तों, अल्लाह ताला ने इस कायनात में तरह तरह की मखलूक को पैदा किया और हर किसी को पैदा करने के पीछे अल्लाह ताला की हिकमत मौजूद है। इसी तरह अल्लाह ताला ने पत्थरों को भी पैदा किया और हर मखलूक की तरह पत्थर भी अल्लाह ताला की इबादत करते हैं और इस इबादत की बरकत की वजह से इनमें कुछ ऐसी खसूसियात पैदा हो जाती हैं जिन खसूसियात की वजह से इनके साथ जुड़ने वाला इंसान इनकी इबादत की तासीर को अपने अंदर समा लेता है और इनकी खसूसियात से फ़ायदा हासिल कर सकता है। दोस्तों, आज आपको बताएंगे कि अकीक पत्थर पहनने से क्या क्या फ़वाइद हासिल होते हैं, मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, अकीक पत्थर को पहनने की तरकीब ये है। दोस्तों, बरोज जुमा पांच धात की अंगूठी में दाहिने हाथ की उंगली में पहनना चाहिए। पहली या दरमियानी बड़ी उंगली में पहनने से गुरेज करें। ख्याल रहे कि वजन 5, 7 या 9 रती होना चाहिए। दोस्तों, अकीक को पहनने के बहुत से फ़वाइद हैं और इन फ़वाइद को हासिल करने के लिए कोशिश करनी चाहिए कि आप पाक रहें और 5 वक्त की नमाज बाकायदगी से अदा करें। दोस्तों, अकीक एक मजहबी पत्थर है और इसके फवाइद ये हैं। गुनाहों से निजात दिलाकर पाकीजगी की तरफ रागिब करता है। यादाश्त और जहनी सलाहियत को बेहतर करने में मददगार है। काले जादू नागहानी आफात हादसात से महफूज रखता है। अकीक पहनने वाला कभी तंगदस्त नहीं होता। बेख्वाबी और डर को दूर करता है। गमो गुस्सा चिड़चिड़ापन और डिप्रेशन को दूर करने में मौसर है। सुरमे के साथ पीस कर आंखों में लगाने से दर्द से राहत मिलती है। बड़े साइज का अकीक पहनना दुश्मन के दिल में रोबो खौफ पैदा करता है। ख्वाहिशात की तकमील होती है, इज्जत और कामयाबी मिलती है। अगर किसी को नौकरी का मसला हो तो इस पत्थर को जरूर इस्तेमाल करें। अल्लाह ताला के फजल से जरूर अच्छी नौकरी मिल जाएगी। अज़दवाजी जिंदगी खुशहाल गुजरती है। मुस्तकिल मिजाजी और इस्तेकाम पैदा होता है। मूजी बीमारियों और जहरीले कीड़ों से महफूज रखता है। हर किस्म की पत्थरी और तिली के इमराज में भी फायदेमंद है। दोस्तों, अकीक की हिफाजत कैसे की जाए? इस पत्थर से आसानी से मिट्टी या गर्द हटाई जा सकती है। किसी भी साबुन को ब्रश वगैरह पर लगाकर फिर इसको चंद मिनट तक अकीक पत्थर पर मला जाए तो ये दोबारा चमकने लगेगा और पत्थर को दूसरे कीमती पत्थरों से दूर रखा जाए ताकि ये खराश वगैरह से महफूज रह सके। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आगे आने वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अकीक कितने किस्म का होता है और कौन सा अकीक पहनने से क्या फ़वाइद हासिल होते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।